أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो। देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं अपनी नमाज की क्लास का 18th डे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने कम से अरसे में, यानी सिर्फ 17 आवर्स में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो कुछ सीखा है उसको न सिर्फ नमाज में उसकी एप्लीकेशन नजर आए, बल्कि हमारी जिंदगी में भी उसका असर नजर आए, हमारे अमल में भी वो चीजें, वो बातें जो हम अल्लाह ताला से करते हैं नमाज में, वो आ जाए इंशा अल्लाह ताला। और आज की जो सूरह है वो अखलाक के ऊपर है। अभी तक हम ज्यादातर सूरतें इबादत के ऊपर देख रहे थे, अल्लाह के हुकूक के ऊपर देख रहे थे, आज देखेंगे कि अखलाक के ऊपर। और बहुत गौर से सुनेंगे, हर आयत को हम सब इंडिविजुअली ऐसे लेंगे जैसे ये आयत हमारे लिए उतरी हो, अपने आप को इस पे चेक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जिस स्टेज पर भी हैं उससे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार तिलावत कर लेते हैं। अऊज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जब ये पढ़ा जाता है किसी भी कुरान की आयत से, कुरान की तिलावत से पहले जब पढ़ते हैं, तो जब आप अऊज बिल्ला पढ़ा करें तो खुश हो जाया करें कि आपने एक आयत पर अमल किया, कुरान की एक आयत पर आपका अमल हो गया। सूरह नहल की आयत नंबर 98 है। सहाबा रजी अल्लाह ताला का ये मामूल था कि वो एक आयत सीखते, उसको समझते अच्छी तरह। आप पहले तो ये सोचें कि वो अरबी उनको आ रही थी, फिर भी वो उसको समझते, बहुत गहराई से उसको समझते, उसको अमल में लेके आते और फिर अगली आयत पे जाते। बस सहाबी लोगों ने 10 साल में सूरह बकरा समझी, 10 साल लगे उनको सूरह बकरा करने में, जबकि वो उनकी लैंग्वेज थी। ये बात हमेशा दिमाग में रखें। तो हमें सूरह बकरा में कितना वक्त लगना चाहिए? 10 साल तो हमें लगेगा अरबिक सीखने में, और उसके बाद 10 फर्दर ईयर लगने चाहिए, बल्कि ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि उनके मुअल्लिम कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनसे वो सीख रहे थे 10 साल में सूरह बकरा। तो हमें तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो हम 1 घंटे का वक्त देते हैं वो बहुत कम, हमें बहुत ज्यादा ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के दीन को सीखने में और अल्लाह के दीन पे अमल, जिस हम अच्छी तरह समझेंगे, जब हकीकत किसी चीज के दिल में उतर जाती है तो ऑटोमेटिकली अमल में आ ही जाती है। वो हमारे यकीन में कमी होती है, इस वजह से चीज अमल में नहीं आ पाती, तो उसी यकीन को इंशा अल्लाह ताला बढ़ाना है। तो जब औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? खुश हो जाएंगी कि आपने कुरान की एक आयत पर, सूरह नहल की आयत नंबर 98 पर आपने अमल किया, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कुरान पढ़ा करो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करो। तो हमने पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم। ترجمة देख लेते हैं एक बार। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जजा और सजा को झुठलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली जरूरत की चीजें देने से गुरेज करते हैं। थोड़ा सा इसकी पहले हम लोग तफसीर देख लेते हैं हल्की सी, बल्कि जब आयत आएगी उसी के साथ ही करेंगे। इसमें देखिए, सूरह का नाम जो है इस सूरह के आखिरी लफ्ज से लिया गया, माऊन, ठीक है। इस यहां से इस सूरह का नाम सूरह अल माऊन, सूरतुल माऊन लिया गया। और इसका मौजू क्या है कि अल्लाह ताला, जैसा कि आपने देखा कि
जो शख्स अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन मतलब दीन का क्या मतलब है यहाँ पे, जजा सजा, जो आखिरत के दिन का और आखिरत के दिन में हर हर अमल का बदला दिया जाना, इस पे उसका जजा सजा पे जिसका यकीन नहीं होता है तो उसका अखलाक कैसा होता है ये बताया जा रहा है। शुरू की दो आयात में, आयत नंबर 2 एंड आयत नंबर 3 में, उन कुफार, कुफार जब हम कहें तो आप समझ जाए इनकार करने वाला, वो आदमी जो इनकार करता है बदले के दिन का, तो उसका अखलाक क्या होगा ये बताया जा रहा है। और उसके बाद ऐसे मुसलमान जो देखने में तो मुसलमान है, कलमा गो है, पढ़ते हैं नमाज और नमाज भी पढ़ने वाले हैं, मुसल्लीन नमाज पढ़ने वाले हैं, उनके लिए वैल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनके दिल में ईमान नहीं है, जबान पर ईमान है, बाहरी हुलिये में ईमान नजर आ रहा है लेकिन दिल में ईमान नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मुनाफिक कहा जाता है। हमारा क्या हाल है कि जब हम कुफार सुनते हैं तो हम उससे भी अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं, हम सबका जन्नत जहन्नम पे यकीन है, हम सबका कयामत के दिन पर यकीन है, हम सबका इस बात पर भी यकीन है कि हमें अल्लाह के आगे तन्हा खड़े होके अपने हर हर अमल का जवाब देना है ना, यकीन इस बात का। अब गौर करें इस बात पे कि अगर हमारा यकीन सच्चा पक्का है तो फिर हम ऐसे क्यों हैं? मैं अक्सर अपने बारे में ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर वाकई हमको यकीन है जन्नत है जहन्नम है, एक दिन मुझे अल्लाह के आगे खड़ा होना है, फिर तो हर इंसान को सहाबा जैसा हो जाना चाहिए। तो इसी यकीन को बढ़ाने की ये कोशिश है कि हमें वो यकीन आ जाए कि अल्लाह के आगे हर हर चीज का, अपने हर एक्शन का बदला देना है, लेना। जिस दिन हमको ये यकीन आ जाएगा, आप यकीन करें कि हम बहुत अच्छे इंसान, फिर हमें भी सहाबा जैसे लोग नजर आने लगेंगे, न सिर्फ ऐसे नजर आने लगेंगे, अल्लाह करे कि हम शीशे में खड़े हो तो वहां भी वैसे ही लोग नजर आए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इस यकीन को हमें बढ़ाना है। तो जैसे ही हमने कहा रईत अल्लदी उकद्दिबु बिद्दीन, तो जाहिर है यहाँ पे तो काफिरों की बात आ रही है, ऐसे लोगों की बात आ रही है जो कि बदले के दिन को ही झुठलाते हैं। तो उनकी ये दो खसूसियत है जो अभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो वहीं पे इसकी तफसीर भी साथ में करते चलेंगे। उसके बाद फवैलो लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है या जहन्नम की एक वादी है, जहन्नम का की खबर दी जा रही है उनके लिए। तो पता चलता है कि ये मुनाफिक है और हम इनसे भी अपने आप को अलग कर लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुनाफिक नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन अपने आप को इस कसौटी पे चेक करना बहुत जरूरी है। मुसलमान, मोमिन और मुनाफिक, हर वक्त हम अपने आप को चेक करें कि हमारा हर अमल, हमारा ईमान, हमारा यकीन एक मोमिन वाला है। मोमिन समझ रहे हैं? मोमिन मोमिन ईमान वाला, और मुनाफिक निफाक वाला, तो जिसके अंदर निफाक की बीमारी हो। तो हम तो सुभान अल्लाह, हम अपने आप को कभी भी नहीं समझते कि मुनाफिक हो भी सकते हैं। अब ऐसे में आप एक वाकया सुनिए, एक सच्चा वाकया। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों की लिस्ट दे दी गई थी, जिब्रील अलैहि सलाम ने आके तकरीबन 80 मुनाफिकों का नाम दे दिया था कि ये लोग, आपको पता है जंगे उहद में तकरीबन 300 के लोग, 300 के मुनाफिक थे, जंग से वो चले गए थे एकदम आखिरी वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें से कितने हो गए, 220 के करीब ये लोग, फिर इन्होंने ईमान, मतलब ईमान फिर मुनाफिक से फिर क्या बन गए, ये मोमिन बन गए। और ऐसा करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये आप देखें हर चीज, कि वो ऐसे लोग जो जंग की इतनी क्रूशियल टाइम पे भी, इसको धोखा कहेंगे ना कि आप चल पड़े और जब एकदम जंग के मैदान के करीब पहुंचे तो आपने कहा कि हम तो नहीं जंग लड़ेंगे, तो इससे तो पूरी आर्मी जो क्या हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाती है ना कि अरे ये लोग, तो आप उस चीज को इमेजिन करें, अगर अपने आप को उस आर्मी के अंदर आप मौजूद समझे तब आप महसूस कर पाएंगे इस चीज को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से भी ऐसे मामला किया कि सब अल्हम्दुलिल्लाह 220 के करीब फिर ईमान ले आए और बचे 80, जो कि जिनकी लिस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई, और ये बताया गया कि ये मुनाफिक हैं और मुनाफिक ही रहेंगे, मतलब इनकी निफाक की बीमारी, जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला के इल्म का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनके एक सहाबी जो कि हुसैफा बिन यमान, सिर्फ और सिर्फ उनको ये लिस्ट बताई थी, उनको इन मुनाफिकों का नाम बताया था और किसी को भी नहीं। अब आप आगे की बात बहुत गौर से सुनिए, अभी तक तो इंफॉर्मेशन चल रही थी, असल बात अब है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान के बारे में आपको पता है ना कि शैतान भी उनको देख के रास्ता बदल लेता था, कि हमें इनके ऊपर काम करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजैफा बिन यमान को अक्सर पकड़ लेते, जब उनको देखते वो अकेले में है तो पकड़ लेते और उनसे पूछते कि कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है, अल्लाह ताला तो हमको हमसे ज्यादा जानता है ना, तो जो अल्लाह ताला ने लिस्ट भेजी है कहीं उसमें हमारा नाम तो नहीं है। तो वो हुजैफा बिन यमान से ये जानने की कोशिश करते ईमान के उस दर्जे पर, और आप ये भी आपको पता है कि वो अशरा मुबशरा हैं जन्नत की, उनको ऑलरेडी बशारत है, उनको खौफ लगा हुआ है निफाक का। और हम जैसे लोग, जैसे अभी हम आए तभी ये पढ़ेंगे और ये जब बोलेंगे जैसे ही हम कि मुनाफिक, तो बस हम समझ लेंगे ये तो अब्दुल्ला बिन उबई की बात हो रही है और उसके साथियों की बात हो रही है, ये आयत इस आयत से हमें क्या लेना देना, इस आयत में मेरा तो कोई जिक्र ही नहीं है, मेरे बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, ये काफिरों के बारे में बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हम इस मुस्लिम हैं, हम इस कैटेगरी में नहीं आते, हम इनकार तो नहीं करते, चाहे अमल से इनकार कर भी रहे हो लेकिन वो हमको कब नजर आता है। लेकिन और जब मुनाफिक की बात आती है तो हम यहां से भी, तो फिर होगा क्या कि पूरी आयत हमारे लिए नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं, हम अपने आप को चेक करते चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैंने इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात यहां बताई। अब चलते हैं, एक एक आयत करते जाएंगे और उसी के साथ देखते भी चलेंगे कि जो अहादीस वगैरह होंगी उसकी। हमारी क्लास में नए लोग हैं, मैंने सोचा था कि बिस्मिल्लाह तो अब, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं तो मैं बिल्कुल नई पहली क्लास की तरह ही बताऊंगी, आप लोग सब्र के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा जो शुरू से है क्लास में। बिस्मी, बिस्मी ये एक देखने में एक लफ्ज लग रहा है लेकिन ये दो लफ्ज का मुरक्कब है, ये दो कंपाउंड वर्ड है, मतलब दो लफ्ज से मिलकर बना है। अरबिक में एक हर्फ भी एक लफ्ज बनाता है, मतलब जैसे इंग्लिश में भी है जैसे ए या है ना, लेकिन वहां तो बहुत चंद ऐसे हैं, लेकिन अरबिक में अक्सर हुरूफ जो है वो लफ्ज का भी काम करते हैं। बी बी का मतलब होता है साथ, ये कॉमन मीनिंग जो सबसे आम माना है वो साथ है। टोटल इसके 17 मीनिंग है, 17 डिफरेंट मीनिंग है जो कि आराम से पता चल जाते हैं हर आयत के साथ। मैं 17 हटा दूं कि कहीं किसी को लगे कि हम कैसे पहचानेंगे। बी साथ और इस्मी नाम, जब भी किसी लफ्ज से पहले लगता है तो वो अपने आगे आने वाले लफ्ज को जेर दे देता है, इसीलिए ये इस्मी हो गया। अगर ये बी ना होता तो बाय डिफॉल्ट हर नाउन आखिर में पेश लिए रहता है, अगर ये बी ना होता तो ये चीज इस्मु होती, लेकिन बी की वजह से ये इस्मी हो गई और ये हो गया बिस्मी, बिस्मिल। अच्छा ना, मीनिंग तो मैंने किया नहीं, साथ नाम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साथ नाम, अल्लाह ही अल्लाह के, मतलब ये कि अगर इस तरह कहा जाए कि साथ नाम अल्लाह के, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बन रहा है यहाँ पे। इससे पहले जब भी हम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो इसका फायदा यह हुआ कि सिर्फ हमको यही एक जिक्र हर काम पे काम आ रहा है, मतलब हम खाना खाने से पहले भी यही पढ़ सकते हैं, कपड़ा पहनने से, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के, मतलब जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसका शुरू करना, काम शुरू करते हैं या करती हूँ, सिंगुलर है ना तो मैं करते, हम लोग सब इंडिविजुअली ही पढ़ेंगे तो करती हूँ करता हूँ कर, सब इसमें आ जाएगा, करती हूँ, ये चीज यहाँ पे हिडन है, ये मौजूद है लेकिन छुपी हुई है। तो काम शुरू करती हूँ और वो, अब ये काम क्या है, इस सूरा को यहाँ पे आपको पता है, जाहिर है हमको पता है और अल्लाह को पता है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, सबको पता है कि हम इस वक्त सूरह माउन करने जा रहे हैं,
इस सूरह को समझना शुरू करती हूँ सात नाम अल्लाह के। और क्यों अल्लाह के नाम के साथ? क्योंकि हम जब सना में पढ़ते हैं, जब नमाज शुरू करते हैं, उसे पढ़ते हैं तबारक अस्मुका, बहुत बरकत है, बहुत बाबरकत है तेरा नाम, यानी अल्लाह के नाम में बरकत बहुत है। तो जब हम अल्लाह के नाम के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। इसलिए हर काम हमें बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। और रहमान, जो बहुत मेहरबान है, जो लोग नए क्लास में आए हैं, वो जिनके जरिए आए थे, उनको मैंने पुरानी प्लेलिस्ट भेज दी है, अगर मौका निकाल के वो शुरू से देख लेंगे तो फिर क्लास को अच्छी तरह वो इंजॉय करके अटेंड कर सकेंगे। जो बहुत मेहरबान और रहीम, ये लफ्ज देखिए दोनों में ही रहम की मीनिंग है, रहमीम रहमीम, तो दोनों की मीनिंग मिलते जुलते भी है और फर्क भी है, क्योंकि आप देखिए शेप फर्क है तो मीनिंग मिलते जुलते भी और फर्क भी। जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अरवाईता, इसमें देखिए कितने अल्फाज है, कितने अल्फाज से मिलके बना है ये। जब ये शुरू में जो आपको नजर आ रहा है अ, ये बिल्कुल जब कोई सवाल होता है कि डू यू करके जो हम सवाल करते हैं, क्या, ये हमजा जब लग, उसको हमजा कहते हैं, जिस भी अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश दिखेगा उसको हमजा कहा जाता है। तो ये जो शुरू में जब किसी लफ्ज के र या हमजा या, इसका मतलब होता है देखना, ठीक है, और ये पास्ट टेंस की फॉर्म है। और त से पता चलता है यू, मेल यू, यानी यू मेल। ये क्लास में ही आपको बार बार करा के याद करा दिया जाता है, और जब आप याद करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे तीन अल्फाज हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने अल्फाज हैं, तीन अल्फाज हैं। अरईता, अ का मतलब है क्या, देखा आपने, इसमें अ का मतलब है क्या, रई का मतलब है देखा, और ता जो आखिर में लगता है इससे पता चल रहा है यू मेल, यानी आपने। डायरेक्ट खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके बाद पूरी उम्मत के हर हर फर्द से। अरअईता, क्या देखा आपने, अल्लदी, उसको जो, क्या देखा आपने उसको जो, युकद्दिबु, यहाँ पे यू से पता चल रहा है, जो शुरू में यू आया इससे पता चल रहा है वो, कद्दबा युकद्दिबु मतलब इसका मतलब झुठलाता। अभी मैं लिख लूँ फिर मैं इसको जरा सा बतलाती, झुठलाता है, कद्दबा सिर्फ हो तो उसका मतलब होता है झूठा, वो झूठ बोलता है, उसने झूठ बोला। कदबा का क्या मीनिंग होगा, उसने झूठ बोला, इसका मतलब है कि वो खुद झूठ बोल रहा है, ठीक है, कदबा उसने झूठ बोला। और इसी पे जब तशदीद आ गई, शद लग गई, कदबा, अब क्या है, उसने झूठलाया, यहाँ पे झूठ, झूठा होना, और यहाँ दूसरे को झूठलाना, जैसे ये शख्स जो है ना, उस, ये जिसकी तरफ कहा जा रहा है, क्या देखा आपने उस शख्स को जो, वो झुठलाता है। अब ये वो तो उर्दू में हम फिर दोबारा नहीं लेके आते, लेकिन यहां मैंने बताया कि इस यू से पता चल रहा है कि उसकी बात हो रही है, वो ही की बात हो रही है। तो झुठलाना, किसी दूसरे को झुठलाना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देना कि ये झूठे हैं, उनको झुठलाना, उनकी खबर को झुठलाना, और आगे देखें कि वो किस चीज को झुठला रहे हैं। तो शब्द का देखें, इस शब्द से मीनिंग फर्क हो गया, कदबा उसने झूठ बोला, और कदबा उसने किसी और को झुठलाया, ठीक है, वो किसी दूसरे को कह रहा है कि वो झूठा है, ये उसको झुठला रहा है, इसलिए तर्जुमा आता है झुठलाना, बिद्दीन, दीन को। अब यहाँ पे दीन के मीनिंग को फिर एक बार समझेंगे, और ये दीन के दो मीनिंग हैं। अरबिक लैंग्वेज में एक ही लफ्ज के दो डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, दोनों मीनिंग एकदम ऑपोजिट भी हो सकते हैं, और
पता चलता है कि उस आयत में क्या मीनिंग लेना है। दीन का एक मतलब है दीन इस्लाम, दीन का एक मतलब है जिंदगी, दुनिया में रहने, दुनिया में अमल करने का तरीका। मैं ये लिख दूं, दुनिया में अमल का तरीका, हमारा हर हर अमल दीन इस्लाम से मैच करना चाहिए, हमारी इबादत इस्लाम के हिसाब से यानी कुरान और सुन्नत के हिसाब से, हमारी जिंदगी, हमारी हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी शादी ब्याह, हमारे मामलात, हर 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 चीज हमारी कैसी होनी चाहिए, अल्लाह की मर्जी की होनी चाहिए, तब वो है दीन इस्लाम पर हम हैं। तो एक दीन, दीन का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं हमारा दीन इस्लाम है, एक ये दीन हुआ। और जब हम कहते हैं हमारा दीन इस्लाम है, मतलब हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हमने अपने आप को सबमिट किया है। दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब, दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ जगह नहीं। जो हमने दुनिया में जिंदगी गुजारी, जिस हिसाब से जिंदगी गुजारी, अब हम अल्लाह के आगे खड़े हैं और उस अपने नेक अमल पे हमें जजा, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि बुरे अमाल पर किसी को सजा। तो जजा सजा का दिन, और जजा सजा का दिन मतलब क्या हो गया, बदले का दिन। तो दो मीनिंग हो गई, एक तो दीन हो गया जिंदगी गुजारने का तरीका, ये मीनिंग अप्लाई हो रहा है दुनिया की लाइफ में, और ये दुनिया से रुखसत होने के बाद बदले का दिन यानी कयामत का दिन, बिद दिन, और यहां पे ये सेकेंड वाला मीनिंग लिया जा रहा है। और अल्लाह ताला देखिए, जब कोई चीज सवाल करके करते हैं तो वो हमको सोचने पे मजबूर करने के लिए, हमको डायरेक्ट बता दी जाती बात, हमें से ये क्या क्यों कहा जा रहा है, क्या देखा आपने, आप उस पर गौर करें, उस पर फिक्र करें, उस पर तदब्बुर करें कि क्या देखा आपने उस शख्स को जो बदले के दिन को झुठलाता है, उसको यकीन ही नहीं है, वो क्या समझता है कि हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमें अल्लाह के आगे कभी खड़ा ही नहीं होना है। तो जिसके जिसका अकीदा, जिसका यकीन ऐसा है, उसके क्या अखलाक होंगे, उससे अखलाक की क्या बुराइयां होगी उनके अंदर, ये हमें अगली आयात में बताया जाएगा। और हम अपने लिए क्या देख सकते हैं कि जाहिर है हमारा ईमान तो है, लेकिन अगर हमारे भी यकीन में कमी होगी तो ये अखलाकी बुराइयां हमारे अंदर भी आ सकती हैं। तो वी नीड टू चेक, हम अपने आप को चेक करेंगे, क्योंकि अल्लाह के आगे हमें खुद खड़ा होना है, हमें अल्लाह के आगे अकेले तना खड़े होके हमें भी अपने 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 अमल का हमें हिसाब देना है। फदालिका, फ का मतलब होता है, जब भी फर्ड वर्ड आए, ये फर्ड देखने में बहुत छोटे, ये भी एक वर्ड है, फ क्या है, एक वर्ड है जिसका कि देखा जाए तो उर्दू में तर्जुमा, कोई जो असल लफ्ज फ से जो मीनिंग निकलता है वो उर्दू का कोई भी लफ्ज उसको ट्रांसलेट करने में काफी नहीं। इंग्लिश में आप 10 कह लें वो भी इसकी मीनिंग नहीं बता पा रहा है। इसी तरह अरबिक, सॉरी, उर्दू में हम तो बोलते हैं, फिर बोलते हैं, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि इस लफ्ज की ग्रेविटी को, इस लफ्ज की अहमियत को बताने के लिए नाकाफी है। आप बस एक बात समझ लें और इसको बहुत गौर से सुन लें कि जब भी देखिए, यहाँ पे ये बात हुई ना, यहाँ ये बात बताएगी क्या देखा तुमने इस शख्स को। अब इसके बाद फ के साथ जब बात आ रही है तो अब जो है मेन बात, मतलब फ के बाद बताई जाने वाली बात ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल अल्लाह ताला हमें यही बताना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला हमें अटेंटिव करना चाह रहा है, अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए तो हमेशा याद रखें कि फ के बाद जब भी आप कुरान पढ़े, तिलावत करें, और तिलावत आप तर्जुमे वाले कुरान से करती होंगी, तो जब फ लफ्ज आए और उसके बाद तो रुक के उस आयत का तर्जुमा वहां पढ़ लें, वहां कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तो फ लफ्ज मैं यहाँ पे पस कर दूं तर्जुमा, जैसा कि मैंने बताया कि पस, अगर किसी के लिए पस का लफ्ज नया है तो जो हम आम बोलचाल में तो बोलते हैं ना, तो ऐसा कि अभी आगे बात हो रही थी, अब तो कह के हम कोई इंपॉर्टेंट बात, लेकिन ये बताया मैंने कि आपको जो मैंने अभी समझा दिया वही दिमाग में रखना है कि फ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। तो जब भी फ पढ़ें आप
तो उसके बाद आप भी अटेंटिव हो जाए कि आगे क्या अल्लाह ताला हमसे कहना चाह रहे हैं। फदालिका, बस ये, क्योंकि किसी शख्स की तरफ इशारा कर लिया ना, तो ये बस ये। मैं बता दूं यहाँ पे, अगर किसी को थोड़ी अरबिक पहले से आती होगी, कि मैं गालिका का तर्जुमा ये क्यों कर रही हूं, है ना। ये लफ्ज थोड़ी सी जिसको अरबिक आती होगी, ये दो लफ्ज तो उसको आते हैं, हादा और गालिका। हादा का मतलब होता है दिस, और गालिका का मतलब होता है दैट, मतलब ये और वो। नजदीक वालों के लिए याद रखें, अरबिक का एक ये उसूल है कि जब नजदीक की चीज के लिए दूर वाला वर्ड इस्तेमाल हो, ये वर्ड तो दूर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन देखिए तर्जुमा यही किया जा रहा है, ठीक है, ये वो वाला वर्ड है, लेकिन तर्जुमा हमने क्या किया, बस ये, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए, कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शख्स बहुत इंपॉर्टेंट, इन द सेंस कि इस शख्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। तो फजालिका, बस ये। इसी तरह से देखें, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इस पे यहां पे लिखूं, और फिर जालिकल किताबू। अब यहां पे भी देखें तर्जुमा, आप देखेंगे कुरान में जाके, ये किताब कुरान के बारे में है। अलिफ लामीम की, मतलब सूरह अल बकरा की सेकंड आयत में ही अलिफ लामीम के बाद यहीं से शुरू होती, जालिकल किताबू ला रही बाकी, तो जालिकल किताबू कुरान के लिए ही है, इसी किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन सेगा वर्ड कौन सा यूज किया जा रहा है, वो का यूज किया जा रहा है इंपॉर्टेंस के लिए, कि हम जो बात आगे हो रही है हमें उस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, बहुत खास बात होने जा रही है। तो ऐसे में जब किसी खास चीज की तरफ इशारा हो, चाहे वो नजदीक है, तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए अरबी अदब का ये तरीका है कि दूर का इशारा इस्तेमाल होता है, दूर का पॉइंटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए तर्जुमा किया ये, हालांकि वर्ड यूज हुआ है वो वाला। तो फजालिका, बस ये, अल्लदी, वो है जो, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो बदले के दिन को झुठलाता है उसके अंदर क्या कमी पाई जाएगी। देखिए सिर्फ ये दो कमी नहीं, बहुत सारी अखलाकी बुराइयां और बहुत सारी बुराइयां ऐसे इंसान के अंदर, क्योंकि अक्सर तो हम अल्लाह के खौफ से ही सीधे रह पाते हैं, अल्लाह का खौफ हमें बुराइयों से रोकता है, अल्लाह का खौफ ही हमें नेकी की तरफ लेके जाता है, और ले भी जाना चाहिए क्योंकि तभी उसमें इखलास भी होगा। वो है जो यदु धक्के देता है, धक्के देता है, इसका रूट लेटर है दाल ऐन ऐन, और दाल ऐन ऐन का मतलब होता है सख्ती के साथ धक्के देना, हार्ड पुश, ठीक है, सख्ती के साथ धक्के देना। फदालिका, बस ये, वो शख्स है वो जो यदु धक्के देता है, दाल ऐन ऐन, ठीक है, धक्के देता है। अल यतीम, यतीम को, यतीम को, देखिए यतीम है, और ये जो आखिर में जबर नजर आई, इससे हमको पता चल गया कि ये है वो लफ्ज, ये है वो चीज जिसको धक्का दिया जा रहा है, ठीक है, ये अल यतीमा, यतीम को। छोटी छोटी बात बस ये इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो, और अल्लाह करे कि एक दिन आप भी अरबिक सीखने पे आ जाए, डिसाइड करें कि हाँ मैं कुरान को कुरान ही की लैंग्वेज में, मैं अल्लाह के अल्फाज को अल्लाह ही के अल्फाज में सुन के समझना शुरू करूंगी। फदालिका, बस ये, अल्लदी, वो है जो यदुउ धक्के देता है अल यतीम, यतीम को। अब इस आयत की थोड़ी तफसीर देख लेते हैं कि ये यदुउल यतीम, ये कई माने में है। एक ये कि वो यतीम का हक मार खाता है और उसके बाप की छोड़ी हुई मीरास से उसे बेदखल करके धक्के मारकर निकाल देता है, ऐसा शख्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है यतीम किसको कहते हैं, यतीम उस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो, याद रखे नाबालिग बच्चे को, है ना। तो बच्चा नाबालिग है, जाहिर है वो कमजोर है, और अब उसका कोई सरपरस्त नहीं, तो
ऐसे में वो समझता है कि अब कोई उसको देखने वाला ही नहीं, उसको अल्लाह का तो ख्याल है नहीं, वो जो ये धक्के मार रहा है या जो उसका उस यतीम को सता रहा है, उसको ये लगता है कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, हम तो कर सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यतीम का सरपरस्त जो था वो तो दुनिया से जा चुका। तो ये सोच के वो इस तरह के अखलाक पे आता है। दूसरा ये कि यतीम अगर उससे मदद मांगने आता है तो रहम खाने के बजाय उसे धुतकार देता है, और अगर फिर भी वो खड़ा रहे कि भाई मुझे मेरा हक दे दो, मुझे हक दे दो, तो वो धक्के देकर उसे निकाल देता है। तीसरे ये कि वो यतीम पर जुल्म जाता है, मसलन अगर उसका वो यतीम उसका अपना ही रिश्तेदार है और उसके साथ रह रहा है, तो उसके जिम्मे घर के सारे कामकाज डाल देता है और झिड़कियां और डांट डपट उसके ऊपर, तो इस तरह से वो उसके ऊपर जुल्म करता है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि ये कोई बुरा काम है जो वो कर रहा है, बल्कि वो बड़े इत्मीनान के साथ अपने इसी अखलाक पर कायम रहता है, और वो ये समझता है कि यतीम तो बेबस है, बेयारो मददगार है, कोई इसका पूछने वाला नहीं, कोई इसकी तरफ से मुझसे सवाल करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दुनिया ही देख रहा है ना, आखिरत का उसे यकीन ही नहीं है। तो वो अपने इस जुल्म और सितम को बरकरार रखता है, और अगर वो यतीम कभी आवाज उठाए, कभी अपना हक मांगे, तो उसे न सिर्फ धुतकारता है बल्कि सख्ती के साथ धक्के देकर निकाल भी देता है। इस सिलसिले में एक वाक्य है जो काजी अबुल हसन ने अपनी किताब आलामुन नुबुवा में लिखा है कि अबू जहल एक यतीम का वसी था, मतलब एक यतीम का जिम्मेदार था। वो बच्चा एक रोज इस हालत में उसके पास आया कि उसके बदन पर कपड़े तक न थे। उसने इल्तिजा की कि उसके बाप के छोड़े हुए माल में से वो उसे कुछ दे दे, मगर इस जालिम ने उसकी तरफ तवज्जो तक न की और वो खड़े खड़े आखिरकार मायूस होकर पलट गया। कुरैश के सरदार बैठे ही देख रहे थे। उन्होंने मजे लेने के लिए शरारतन, आपको पता है कि अबू जहल, और ये नबुवत के बाद का वाकया है कि अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इस्लाम की दावत की वजह से उन लोग के क्या ताल्लुकात चल रहे थे। ऐसे में सरदाराने मक्का ने शरारतन इस लड़के से कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी तरफ से सिफारिश करेंगे, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। उस लड़के को पता नहीं था कि इतनी दुश्मनी चल रही है इन लोगों की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और उसने अपना हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आप देखें, ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे अपने साथ लेकर अपने बदतरीन दुश्मन अबू जहल के यहाँ तशरीफ ले गए। हमारा क्या हाल होता? हम कहते हैं उनसे तो मेरी इतनी दुश्मनी है, वो मेरी क्या सुनेंगे, तुम फलां के पास चले जाओ, वो उनका दोस्त है, शायद उनकी सुन ले। लेकिन जब कोई हक पे है, जब कोई मजलूम है, तो हमें मजलूम के लिए इसी तरह खड़ा होना है जिस तरह अभी आपने देखा। और इन वाकयात का जिक्र अल्लाह ताला ने क्यों लिखा हुआ है या लिखवा दिया कि जिससे हम अपने लिए अमल के पॉइंट लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसने, अब ये अबू जहल के वहां ले गए, और अब आप आगे देखें कि आपको देखकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, और जब आपने फरमाया कि इस बच्चे का हक इसे दे दो, तो वो फौरन मान गया और उसका माल लाकर उसे दे दिया। कुरैश के सरदार ये सब देख रहे थे, उनको बड़ी हैरत हुई कि अबू जहल तो ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान रहा है, कि जब उन्होंने ये सारे हालात देखे तो ताना दिया उसे। क्या क्या ताना दिया? कि तुम तो अपना दीन छोड़ गए, मतलब तुम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान रहे हो, लगता है तुम दीन इस्लाम में ही दाखिल हो गए। उसने कहा, यानी अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम मैंने अपना दीन नहीं छोड़ा, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं एक एक हरबा है जो मेरे अंदर घुस जाएगा अगर मैंने जरा भी उनकी मर्जी के खिलाफ हरकत की। इस वाकये से न सिर्फ ये मालूम होता है कि उस जमाने में अरब के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मुअज्ज़ज़ कबीले अबू जहल बड़े कबीले का था और सरदारान में से एक था, इनके अंदर भी ये अखलाकी कमजोरी पाई जाती थी कि यतीमों के साथ ये किस तरह का मामला करते थे। न सिर्फ ये बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद अखलाक, कि वो कितने बुलंद अखलाक के मालिक थे,
और आपके इस अखलाक का आपके बदतरीन दुश्मनों तक पर क्या रोब था, क्या रोब पड़ता था कि जब वो इंसान जब खुद हक पे रहता है तो जब वो हक की बात करता है तो लोगों के ऊपर असर भी होता है, यहाँ तक कि दुश्मनों पर भी असर होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया। अगर हम यतीम के साथ अच्छा सलूक करें तो अजर भी बहुत ज्यादा है, और यतीम के साथ बुरा सलूक करें तो फिर इस दिन का खौफ आना चाहिए, बदले के दिन फिर उसी तरह से सजा भी बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने यतीम के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट इसलिए किया कि हमको ये गलतफहमी हो गई कि वो बेयार और मददगार है, हम भूल गए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला है और वो देख रहे हैं। अगली आयत देखते हैं, वला यखुद्दू, इसमें तीन लफ्ज हैं जो मैंने एक साथ लिखा कि एक पेज पे आ जाए, व ला और यखुद्दू। और व का मतलब होता है और, ला का मतलब होता है नहीं, और या से हमको पता चल रहा है वो, ठीक है, इस या से पत में हली दू वो, और नहीं वो उभारता, उभारता उभारता मतलब मोटिवेट करता, कन्विंस करता लोगों को उभारता, और नहीं वो उभारता खाना खिलाने पर, अल मिस्कीन मिस्कीन को, मिस्कीन के। यहां पे देखें ये लफ्ज है तआमिल मिस्कीन, अच्छा यहाँ पे एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया अला तआमिल मिस्कीन, क्या हुआ कि ठीक है मिस्कीन का खाना खिलाने पर। इस आयत को बहुत गौर से अब सुनिए जो आगे कहने जा रही हूं, यहां लफ्ज यूज हुआ है तआमिल मिस्कीन, सुभान अल्लाह। अगर ये तआम के बजाय इतआम होता, इतआमिल मिस्कीन होता तो होता मिस्कीन को खाना खिलाने पर, मिस्कीन। अभी देखिए को और का से क्या फर्क पड़ने वाला है, अभी मैं समझाती हूँ। ये है तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन का खाना, इसका मतलब ये है कि हमारा हमारे पास जो खाना है और हमारे आसपास अगर मिस्कीन है ना, तो हमारे पास जो खाना है इस खाने में उनका हक है, जो खाना हम उनको देंगे वो उन्हीं का खाना उनको देंगे, अपना खाना नहीं दे रहे होंगे, इसीलिए मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं, मिस्कीन का खाना खिलाने पर, नहीं वो उभारता, मिस्कीन का खाना खिलाने पर। जो अमीर लोग मिस्कीन का खाना अपने घर में दबा कर बैठे हैं वो उनको देने का, उनका हक देने का नहीं उभारता। ये पता चला तआम और इतआम के फर्क से, अगर ये इतआम होता तब ये होता हमारे पास जो खाना है वो हमारा है और हमें अपने खाने में से निकाल के मिस्कीन को देना है, लेकिन तआमिल मिस्कीन ने बताया कि जो हमारे पास खाना है जो उसमें मिस्कीन का हक है। और इसी को देखें कि सूरह जारियात की आयत नंबर 19, इसकी वहां से इसकी दलील भी मिलती है, मैं आज पढ़ती हूँ, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम, और उनके मालों में साइल और महरूम का हक है। मतलब हमारे पास जो है उसमें यहाँ इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे पास है उसमें मिस्कीन का हक है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम दे देंगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अजर मिलेगा, और अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो हमने उनका हक मार लिया, हम अपने घर में बैठ के मिस्कीन का खाना खा रहे हैं। बी था सबसे पहले बी, फिर मैंने मिन बताया था, फिर फी बताया था, और फिर अल्लाह बताया था, है ना, ये अल्फाज जब आते हैं तो अपने आगे जेर दे देते हैं। तो आप देखिए ये अला आया, तआमू जो बन गया तआमी में चेंज हो गया इसकी वजह से, तआमिल मिस्कीनी। तो इसका तर्जुमा यहाँ पे अलग से लिख लें, मिस्कीन का खाना खिलाने पर, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तीन वर्ड को एक साथ इसकी मीनिंग याद कर लेंगी, अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन का खाना खिलाने पर, नहीं वो उभारता, वला यहुद्दू, एक सेंटेंस ये हो गया आपका। और फिर यहाँ पे आप आ जाएं, अलग अलग इसको समझ लीजिएगा यहाँ से, और नहीं वो उभारता मिस्कीन का खाना खिलाने पर।
ठीक है। तो इनकार है आखिरत, मतलब जब आखिरत का जिसने इनकार कर दिया, जिसको ये नहीं पता है कि उसको जो अल्लाह ने माल दिया है, इस माल का वो हिसाब लेगा कि कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, कौन सामने था, कौन नजर नहीं आया, किसका हक था, किसको नहीं दिया, इन सारी चीजों का जब कोई इनकार कर देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दे या ना दे। लेकिन जिसको यकीन होगा कि अल्लाह के आगे खड़े होंगे और ये सारी चीजें अल्लाह के हुक्मों में है, हमें अल्लाह पूछेगा, तब हमें इस पे करना आसान होगा, अमल में आना आसान होगा। तो कयामत के इनकारी के लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो मिस्कीन का खाना उसे दे या ना दे। तो ये दो खसूसियात बताई गई ऐसे इंसान की, सिर्फ जब तफसीर में आता है कि सिर्फ दो ही खराबी नहीं आती, आखिरत का इनकार तमाम बहुत बुराई, बहुत किस्म की बुराइयों बुराइयां पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन दो बातों का ही जिक्र हुआ, तो यतीमों का माल दबाना और मिस्कीन का खाना न देना। फवैलुल, अब ये देखे फिर फा आ गया, फा पस हलाकत है। वैल जो है, वैल का मतलब है हलाकत है, और वैल जहन्नम की एक वादी का नाम भी है। पस हलाकत है लिल मुसल्लीन, और हम भी नमाज पढ़ने वाले हैं, अब हमें भी अटेंटिव हो जाना है। फ के साथ ये लफ्ज आ गया, ली, ये लफ्ज क्या था, ली प्लस अल मुसल्लीन, ठीक है। इस ली की वजह, ये ली आया और ये हम, ये वाला जो हमजा था ये बीच से गायब ही हो गया और ये बन गया लिल मुसल्लीन, ठीक है। तो ली का मतलब होता है फॉर या लिए, मुसल्लीन नमाज पढ़ने वालों के लिए। तो इसको हम शॉर्ट में कर लें कि नमाजियों, हम लोग नमाज पढ़ने वालों को क्या कह देते हैं, नमाजी कह देते हैं, उसका प्लूरल करें तो नमाजियों कह देते हैं, ठीक है। तो वही लिख देते हैं नमाजियों के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है, ई ना की साउंड आ रही है ना, इससे पता चल रहा है नमाजियों के, यहां कर दें और ये हो गया नमाजियों के, और ये यहाँ पे लिए लगा लीजिए आप, नमाजियों के लिए। अब आगे आगे की आयत बताए बता रही है कि किस टाइप के नमाजी है ना, जैसा कि मैंने बताया कि ये अब उन लोगों का जिक्र है जो जाहिर है ईमान वाले हैं, तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं, है ना, जिन्होंने ईमान का दावा कर रखा है कि वो मुसलमान है और वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो किस किस्म के नमाजियों के लिए हलाकत है, ये आगे की आयत में पता चलेगा। अल्लदीना, वो लोग जो, इससे पहले आप अल्लदी देख रहे थे तो वो जो की बात थी, और अल्लदीना उसी अल्लदी का प्लूरल है, तो वो लोग जो, हम वो, अब देखिए यहाँ पे आ चुका था वो लोग जो, और फिर हम आ रहा है, मैंने पिछली क्लास में अभी आपको बताया था अल्लदीना हुमन, ये हम ना भी होता तो भी अनसलातिहिम, अल्लदीना वो लोग जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, हो जाती बात। लेकिन यहाँ पे हम जब दोबारा उसी लफ्ज का प्रोनाउन आता है तो वो बात की इंपॉर्टेंस और ग्रेविटी को जाहिर कर रहा होता है, वो लोग जो, वो फिर दोबारा अन सलातिहिम, अन का मतलब होता है से, सलातिहिम अपनी नमाज से, अब हम उनकी नमाज, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह कहते हैं ना वो उनकी नमाज, ऐसे तो नहीं बोलते, तो वही उनकी जो है वो अपनी में चेंज हो गया, क्योंकि उर्दू में हम ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, अपनी नमाजों से, अन का मतलब है से, सलात नमाज, और हिम अपनी, वही हम जो है वो हिम में चेंज हो गया। तो ये यही हम जो है, ये चूंकि इससे पहले जेर आ गई तो इसलिए जेर आ गई, इस अल्लाह ताला ने बहुत आसानी की है हमारे लिए कि हम कुरान की तिलावत बहुत आराम से कर सके, वरना आप देखें सलाती हुम पढ़ना कितना मुश्किल होता, फौरन ही है ना सलाती हिम। तो नमाजों से साहून गाफिल है। अब देखिए सुबहान अल्लाह, जब ये आयत उतरी तो सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु, देखिए कितनी डरा देने वाली बात है ना, फवैलुल मुसल्लीन की, नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम की खबर आ रही है, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत की खबर आ रही है, कितनी अटेंटिव कर देने वाली आयत है।
सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इन चीजों को हम अपने अंदर भी चेक करेंगे कि क्या चीज है। सहाबा रजी अल्लाह उन्होंने जब ये आयत सुनी तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पे फी सलातिहिम नहीं, नमाजों में गाफिल है, नमाजों में, क्योंकि नमाज पढ़ने में आपने देखा होगा हम लोग की नमाजों का तो हाल क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नमाज की पूरी याद कर ली है तो जरूर नमाज के अंदर पहले से ज्यादा ख्याल रहता होगा, नमाज के अंदर ध्यान रहता होगा, जहन इधर उधर भटकने से जरूर पहले से कम भटकता होगा, आई मीन उससे बचत हो रही होगी। क्योंकि नमाज की अब हमें समझ में आ रही है, जब हम समझ के पढ़ते हैं तो हमारा दिल लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। तो जाहिर है जब हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं तो हम जब किसी अब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, मेरा जहन घर में किसी के साथ और कहीं नहीं जा रहा है, तो क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या आपसे बात कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होने के बावजूद भी नमाज में भूल हो सकती है ना। नमाज में सहाबा से भी भूल हुई है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी भूल हुई, लेकिन याद रखें कि इतनी भूल नहीं होती है जितनी हमसे हो रही है, कि हर नमाज में भूल हो रही है, हर रकात में भूल हो रही है। तो हम अपने आप को एकदम उबर्रा ना कर लें कि सहाबी से भी भूल होती थी, चलो हमसे भी भूल हो रही है, कोई बात नहीं, उनसे याद रखें इतनी भूल नहीं होती थी। तो हमें भी नमाज में जानबूझकर नहीं भूलना है, कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारे ख्यालात को बहुत अच्छी तरह हवा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज में जब हम खड़े हुए हैं तो तकबीर तहरीमा करने के बाद पूरे फोकस्ड हो कि हम अल्लाह सुभान व तआला से बात कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जो भूल चूक हो जाती है उस पे कोई पकड़ नहीं, कोई गुनाह नहीं, है ना। और उसका तरीका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हम सजदा सर्व कर लें। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह की गफलत के बारे में है। अन सलातिहिम साहून के माने ये हैं कि वो अपनी नमाज से गाफिल है। अब देखें क्या क्या चीजें हम लाइन से बोलेंगे, हम सब अपने अपने को चेक करेंगे, कोई भी किसी दूसरे को नहीं चेक करेगा, खुद अपने आप को। नमाज पढ़ी तो और ना पढ़ी तो दोनों उनकी निगाह में कोई अहमियत नहीं है, कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं तो इस तरह नमाज के वक्त को टालते रहते हैं, और जब वो बिल्कुल खत्म होने के करीब होता है तो उठकर चार ठोंगे मार लेते हैं, ये बुखारी की हदीस से लिया गया है। या नमाज के लिए उठते हैं तो बेदिली के साथ उठते हैं, और ऐसा उठते हैं जैसे कोई मुसीबत है जो उन पर नाजिल हो गई हो। कपड़ों से खेलते हैं, जम्हाइया लेते हैं, खुदा की याद का कोई असर उन पर नजर नहीं आता। पूरी नमाज में ना उनको ये एहसास होता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, और ना ये ख्याल रहता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है। पढ़ रहे होते हैं नमाज और दिल कहीं और पड़ा होता है, अल्लाह हू अकबर करके चूंकि बचपन से पढ़ते आए हैं तो वो ऐसा रट रट गया, और उस रटे हुए अल्फाज पे हमारे जिस्म भी मशीन की तरह मुड़ते और झुकते हैं। कब तकबीर तहरीमा से हमने शुरू किया और सलाम फेरा, ख्याल आया अरे ये तो नमाज खत्म भी हो गई। एवरीथिंग बिकेम ऑटोमेटिक, मतलब हर चीज ऑटोमेटिकली होती चली गई हमारी, और हमें बिल्कुल ख्याल भी नहीं रहा। बादिल नफास्ता इस तरह पढ़ते हैं नमाज को कि ना कयाम ठीक होता है, ना रुकू ना सुजूद, बस किसी ना किसी तरह नमाज किसी एक शक्ल बना के और उससे फारिग होकर जल्दी से फारिग होने की कोशिश करते कि जल्दी से नमाज पढ़ के छुट्टी पा जाए। नमाज का वक्त आता है तो उन्हें महसूस तक नहीं होता कि नमाज का वक्त है। मुअज्जिन की आवाज जब उनके कान में आती है तो उन्हें ये ख्याल तक नहीं आता कि ये क्या पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है, किस लिए पुकार रहा है। यही आखिरत पर ईमान ना होने की अलामत है, क्योंकि मुनाफिक का भी क्या हाल था, उन्होंने दुनियावी फायदे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया है। आपको पता है कि मुनाफिक मदीने में रोनुमा हुए, दुनियावी फायदा जब वो देखने लगे तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अभी ईमान उनका पुख्ता नहीं हुआ, उनका यकीन आखिरत के ऊपर नहीं बना, इसलिए उनकी नमाजों का ये हाल है। हम अपने आप को देख लें कि हम भी तो बाई चॉइस मुसलमान नहीं बने, है ना, बाई चॉइस मुसलमान तो नहीं है, हम बाई बर्थ मुसलमान हैं, फोर्स्ड मुसलमान है। अगर ये कह दूं तो गलत ना हो कि मजबूरी की हालत में मुसलमान है, चूंकि मुसलमान घर में पैदा हो गए इसलिए हम मुसलमान हैं, चूंकि हमें मार मार के नमाज पढ़ाई गई इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। तो हमें
शौरी तौर पर अपने ईमान की, जिसको कहते हैं तजदीद, ईमान को हमें उस लेवल पे लेके आना है कि हम भी बाई चॉइस हर चीज कर रहे हो, शौक से कर रहे हो, अपने नमाज में हमारा दिल लग रहा हो, हमें अल्लाह ताला की ये सारे एहसानात और इतनी सारी नेमतें, जिनको कि हम तो नहीं बोलते, अल्लाह ताला खुद ही कुरान में कहता है ला तुहसुहा, नहीं तुम गिन सकते, तुम अगर मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो इस तरह से हमें अपनी नमाज, जो अभी हमने पढ़ा, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। और मुनाफिक की नमाज समझ रहे हैं ना, ये वो मुसलमान है जो हकीकी मुसलमान नहीं है, हकीकत में दिल में ईमान नहीं है। तो इसी को सूरह तौबा की आयत नंबर 54 में, वला यतून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, वो नमाज के लिए नहीं आते मगर कसमसाते हुए। तो हमें भी अपने दिल की हाल देखनी है। अल्लाह ताला हम सबको निफाक की बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला, आपको पता पढ़ा होगा आपने सूरह बकरा की शुरू ही तफसीर सुनी होगी कि मुनाफिक जो है वो जहन्नम में काफिर के भी नीचे होगा, है ना, क्योंकि उसने ना सिर्फ अल्लाह को नहीं माना बल्कि धोखा भी दिया, धोखा देने की कोशिश की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 3 बार, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। असर के वक्त बैठा सूरज को देखता रहता है, यहाँ तक कि जब वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान पहुंच जाता है, यानी गुरूर का वक्त करीब आ जाता है, तो उठकर 4 ठोंगे मार लेता है जिनमें अल्लाह को कम ही याद करता है। बुखारी और मुस्लिम और मुस्नद अहमद सब में ये हदीस मौजूद है। मुसअब बिन साद रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों के बारे में पूछा जो नमाज से गफलत बरतते हैं, मतलब इस आयत के बारे में पूछा। जैसा कि आपको पता है कि जब ऐसी कोई चीज होती तो फिक्रमंद हो जाते कि इसकी डिटेल पता चल जाए, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, जो खराबियां बताएंगे, उन खराबियों को अपने अंदर चेक करके उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने पूछा इसके बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो नमाज को उसका वक्त टाल कर पढ़ते हैं। तो हमें नमाज को उसके बेहतरीन वक्त में पढ़ने की कोशिश करनी है, इस खबर से बचने के लिए, इस तरह के नमाजियों के अंदर हमारा नाम ना आए, हमारा जिक्र यहाँ पे ना हो रहा हो, इससे बचने के लिए हम अपनी नमाज के अंदर से सुस्ती, काहली और उस इंटरेस्ट का ना होना, ये सारी चीजें जो अभी पढ़ी गई उन सब चीजों से बचते हुए बेहतरीन नमाज पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप नमाज के सारे अल्फाज की वर्ड मीनिंग समझ लेंगी तो नमाज में जरूर जरूर दिल लगेगा और गफलत भी नहीं होगी, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। अल्लदीना, वो लोग जो, अगर आपको आपकी ट्रांसलेशन में वो जो होगा ना, तो तब भी आप अल्लदीना पे वो लोग जो कीजिएगा और अल्लदी पे वो जो कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि ये ईना की वजह से प्लूरल हो गया, ये अल्लदी का ही प्लूरल बना है। देखिए अल्लदी का आगे ईना लग गया तो प्लूरल बन गया। तो अगर आपकी ट्रांसलेशन मिल रही है वहां पे, अगर वो जो होगा तो आप पेन से अपना लिख लीजिएगा वो लोग जो, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो लोग जो आ चुका था, दोबारा फिर वो आ रहा है। इसको अरबिक में कहते हैं हसर, हसर का मफहूम डालने के लिए। बस या सुन लें, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको बताती हूँ उर्दू में कि जब अल्लदीना में ऑलरेडी वो लोग जो आ चुका था, दोबारा हम जब अल्लाह सुभान व तआला लेकर आते हैं, वो बात में बहुत ज्यादा वजन और उस बात की ग्रेविटी को बताने के लिए, उस बात की अहमियत को हमारे दिल में उतारने के लिए। और इसी को बताया जाता है कि जब इतना कह दिया जाता है कि यहाँ पे हम जो लाया गया है हसर के मफहूम के लिए, तो पढ़ने वाला सुनने वाला समझ जाता है कि आगे आने वाली बात कोई मामूली बात नहीं है। अल्लदीना हुम, वो युराउन, यू से पता चल रहा है वो, देखिए कितनी बार वो आ रहा है, इसका मतलब रुआउ रिया, रिया मतलब जानते हैं ना, दिखावा करना, और ऊना का प्लूरल हो गया, ये प्लूरल, तो ये वो लोग है ना, वो रियाकारी करते हैं, हम करते कर देते हैं तो उसमें प्लूरल पता चल जाता है, तो यहाँ वो लोग रियाकारी करते हैं, मैं नहीं लिख रही हूं, करते से प्लूरल का सेंस आ जाता है।
प्रेजेंट टेंस का है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में हो गई। अच्छा यहां पे देखिए, यहां तो क्या था कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, अपने आप को घसीटते हुए, मुसीबत पड़ी हुई है उनको, नमाज को किसी तरह से अपनी गर्दन पे पड़ा हुआ बोझ है जो वो उतारना चाहते हैं। एक कैटेगरी ये है जिनके लिए हलाकत, ठीक है, एक तो ये लोग हो गए अल्लदीना, एक लोग ये हुए। दूसरे लोग देखिए, सुभान अल्लाह, अब उन लोगों का जिक्र है जो बहुत खुशू व खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए नहीं। लोगों में वो दीनदार मशहूर हो जाए, लोगों में वो नेकोकार मशहूर हो जाए, लोग उनकी इज्जत करने लगे, लोग कहने लगे कि वो बहुत पाकबाज हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लदीना, वो लोग जो हम वो युराऊना, वो रियाकारी करते हैं। आपको ये बार बार जो ये वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इसलिए अपने दिल को रियाकारी से बहुत ज्यादा पाक पाक करना है। याद रखें, ये रियाकारी सिर्फ हमारा ही शौक नहीं होता कि हमें ये शौक हो कि लोग हमें, ये सारी अहादीस, ये सारी आयतें, सुभान अल्लाह, हम तो उतना समझने की कोशिश नहीं करते और हमें शौक भी नहीं होता, है ना, हमारी तलब में कमी होती है तो तौफीक भी नहीं उतरती। लेकिन चूंकि शैतान इबलीस हमसे दुश्मनी पर है, आदम अलैहि सलाम की हम औलाद हैं तो हमसे दुश्मनी पर है, तो इबलीस इन आयात को हमसे ज्यादा अच्छा समझता है। इस वक्त जब यहाँ क्लास हो रही है, हो सकता है वो यहाँ भी मौजूद हो और समझ रहा हो इन आयात को, और इन आयात को अच्छी तरह समझकर वो इसी इस तरह हमारे ऊपर वार करता है। चले अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नमाज का तर्जुमा याद कर लिया, हम जो है बहुत अच्छी नमाज पढ़ने लगे। अब वो क्या करता है कि जब हम अच्छी नमाज पढ़ने वाले हो गए तो अब फिफ्थ आयत हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, अब हम इससे बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से हम अब इन लोगों में, इसमें हमारा शुमार नहीं हो रहा है। अब हम आ गए बहुत अच्छी नमाज पढ़ने वाले, अब शैतान हमारे दिल में वो सोचता है कि इनको रियाकारी का शौक दिलाओ, तो ये रियाकारी हमारी नफ्स की तरफ से भी आ सकती है और शैतान की तरफ से भी आती है, वो हमें रियाकारी का आइडिया देता है। तो अब इसके लिए भी वही, इन अगर इनके लिए वैल है ना, वैल यानी जहन्नम की जो वादी इनके लिए है जो नमाज को मुसीबत समझकर पढ़ते हैं, वही सेम वादी उनके लिए भी है जो बड़ी लंबी लंबी नमाजें, बहुत लंबे लंबे रुकू, बहुत लंबी लंबे सजदे करते हैं, लेकिन करते किसके लिए हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। बहुत ज्यादा इस चीज से अपने दिल को बहुत ज्यादा पाक करने की जरूरत है। याद रखें, सेम वही ठिकाना है रियाकारों का भी और उन मुनाफिकों का जिनका नमाज में बिल्कुल दिल ही नहीं लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हाल है कि ये जिक्र हो रहा है तहज्जुद गुजार लोगों का, जो न सिर्फ फर्ज पढ़ रहे हैं बल्कि एक्स्ट्रा भी खूब खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए नहीं, उसके अंदर इखलास नहीं। तो रियाकारी से बचना, अमल का पॉइंट क्या है कि नमाज को बहुत शौक से पढ़ना, नमाज के हर हर एक्शन का हक अदा करना, हर हर तस्बीह का हक अदा करना, एट द सेम टाइम इतना सब कुछ करने पर उसको, हमें इतना सारी मेहनत भी की उसको जाया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही पढ़ना है, तो रियाकारी से बचना है। आपको पता है ना, शिर्क जो है वो गुनाह अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है, और रियाकारी भी शिर्क में ही आती है। शिर्क अकबर और शिर्क अफजल, शिर्क की भी बड़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन शिर्क हर तरह का शिर्क अल्लाह ताला को नापसंद है। शिर्क अकबर क्या है कि मतलब किसी ने इबादत ही किसी और की करनी शुरू कर दी, पूजा पाठ ही किसी और की करनी शुरू कर दी, किसी अपने नबी को ही खुदा मान लिया, अल्लाह मान लिया, ये हो गया शिर्क अकबर। और शिर्क असगर क्या है कि हमारी नमाज होनी चाहिए थी सिर्फ अल्लाह के लिए और हमने उसमें शरीक बना लिया, जो हमारे कमरे में एंटर हुआ, हम उसको इम्प्रेस करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। हमें किसको इम्प्रेस करने के लिए नमाज पढ़नी थी, किसको खुश करने के लिए नमाज पढ़नी थी? अल्लाह को। लेकिन जैसे ही कमरे में कोई एंटर हुआ,
अब हमने पहले से भी अच्छी नमाज शुरू कर दी, सजदे की तस्बीह तीन चार और बढ़ा दी, ये हो गया शिर्क। ये अल्लाह का हक था, नमाज अल्लाह का हक था, उसमें किसी दूसरे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए थी, दूसरे की खुशनुदी दूसरे की तारीफ हासिल करने के लिए पढ़ ली। बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाली आयत है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रियाकारी, इंसान तो बचना ही चाहता है, हर इंसान हर मुसलमान चाहता है कि उसकी हर नमाज इखलास वाली हो, यानी प्योर हो। इखलास का मतलब क्या होता है? प्योर, अल्लाह ही के लिए हो। लेकिन शैतान को ये आयत बहुत अच्छी तरह पता है, शैतान ने अल्लाह से वादा कर रखा है कि मैं अपने साथ आदम की एक बड़ी तादाद यहाँ लेके जाऊंगा। तो अब जब उसको ये आयत पता चली है और ये अल्लदीना दोनों पता चल रहे हैं, तो आदम की औलाद को कुछ को इसमें डालने की कोशिश करता है, जिनको इसमें नहीं डाल पाता उनको इसमें डालने की कोशिश करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों से ही बचेंगे। वयमनाउन अल माउन, अब देखिए इसका रूट लेटर है मीम नून आइन। सुभान अल्लाह, अरबिक लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसको पढ़ना शुरू करें तो किसी और इंटरटेनमेंट की आपको जरूरत ना रहे। इसका है मीम आइन नून, ठीक है, मीम नून आइन। इससे मना, उर्दू में भी आप देखती ना मना करना है ना, उर्दू में भी हम ये यूज कर रहे होते हैं, मीम नून आइन से अल्फाज बनते हैं हमारे पास, मना करना, और वही मीनिंग यहाँ पे है कि और वो। अब यहां देखिए वह का मतलब है और, या का मतलब हो गया वो, ऊना से प्लूरल पता चल गया, ठीक है। मैं इस तरह लिख देती हूँ कि वर्ड, असल में कुरान के वर्ड के ऊपर कोई पेन वेन नहीं चलना चाहिए कि कभी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन लिखना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। प्लूरल ये हो गया और मीम नून आइन वो रोकना हो गया। मना का मतलब, मना का क्या मतलब होता है? रोकना। तो वही उर्दू में भी सेम ही मीनिंग लिया गया है इस लफ्ज का। तो हुआ क्या, और वो लोग रोकते हैं। कौन लोग रोकते हैं? मुनाफिक की बात हो रही है, आखिर की तीन आयतें मुनाफिकों के लिए, मना करते हैं या रोकते हैं। तो माउन कहते हैं, और इसी से इस सूरा का नाम ही है, और वो रोकते हैं मामूली इस्तेमाल की चीजें। पहले मैं लिख लूं फिर देख लेंगे कि ये कौन सी चीज है। मामूली इस्तेमाल की चीजें, मतलब कि जो घर में जैसे पड़ोसी है, नेबर्स हैं, अगर वो कोई, पहले के जमाने की बात है, जैसे तफसीर में हम बता रहे हैं जो वहां लिखा हुआ है, कि पहले के घरों में क्या होता था कि आग जलाने के लिए चीज नहीं है, खाना बनाने के लिए आग जलानी है, तो पड़ोस के घर से वो छोटा सा कोल का पीस है या छोटी सी जलती हुई लकड़ी है वो भेज देते थे लोग अपने गुलाम को, अपने बच्चे को, कि जाके पड़ोस से ले आओ तो मैं अपने घर का चूल्हा जला ले। या मान लीजिए छोटी सी चीज है, सुई है, पड़ोसी को सुई की जरूरत है तो सुई दे दी, भाई वो सुई इस्तेमाल करके वापस कर देगा, वो खर्च होने वाला, मतलब ऐसी चीजें जो खर्च भी नहीं होती, कि वो मना करते हैं रोकते हैं मामूली इस्तेमाल की चीजें, मतलब उनको मामूली इस्तेमाल की चीजें। और तफसीर में इसी में जकात भी आती है। क्यों जकात क्यों कही गई? क्योंकि माल पर और सोने पर, जब हम ये कह रहे हैं, असल में बात इतनी मशहूर हुई कि सबने ये समझ लिया कि जकात 2.5% ही है, माल और सोने चांदी पर 2.5% है, लेकिन जो खेती में हजरात लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में, वो मालूम कर लें 10% और 20% है, वो मालूम करें, ठीक है, यहाँ पे उसको हम नहीं लेके आ रहे हैं, हर जगह 2.5% नहीं है, बहरहाल माल। और तो अब देखिए किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से मामूली ही एक बहुत कलील रकम देनी पड़ रही है, 2.5% ही देना पड़ रहा है, सिर्फ 2.5 रुपए, 100 रुपए है उसमें से, और वो भी आपको जकात की पूरी कंडीशन, आपको पता है कि वो माल जो जिसपे साल भी गुजर गया हो, और साल गुजर जाएगा मतलब हमारे बच गया हमारे इस्तेमाल से, तो ये बहुत कलील सी रकम हुई, बहुत छोटी रकम हुई, इसलिए तफसीर में माउन के अंदर जकात भी आती है। और मामूली चीजें जैसे लिखा है किताब में, हंडिया,
ये डोल, डोल मतलब पानी निकालने के लिए। अब किसी के पास पानी निकालने का डोल नहीं है, वो पड़ोसी से मांग रहा है या किसी के पास जाके मांग रहा है कि हमें दे दो, हम पानी भर के तुम्हें वापस कर देंगे। कुल्हाड़ी, तराजू, नमक, पानी, आग, गर्ज, इस तरह की छोटी मामूली चीजें भी वो मना करते हैं, वो नहीं देते। क्यों मना करते हैं? उनको पता ही नहीं होता कि हम ये मामूली चीजें देंगे तो ये इन मामूली चीजों के देने पर जो ज्यादातर चीजें वापस भी आ जा रही हैं, हमें अजर क्या मिलने वाला है ना, हमें उसका उस पे सवाब क्या मिलने वाला है, बदला क्या मिलने वाला है। जब उनको बदले के दिन का ही यकीन नहीं, तो बदले के दिन का क्या यकीन हो? तो इस वजह से वो रोकते हैं, मतलब वो नहीं देते, वो रोकते हैं मामूली इस्तेमाल की चीजें। कि माउन का आला मर्तबा जकात है और अदना मर्तबा ये है कि किसी को छलनी, डोल या सुई वगैरह उधार ना दिया जाए। असल बात ये है कि माउन छोटी और कलील चीज को कहते हैं जिसमें लोगों के लिए फायदा हो। बस आयत का मकसद ये बताना है कि आखिरत का इनकार आदमी को इतना तंग दिल बना देता है कि वो दूसरों के लिए मामूली चीज भी देने को या मामूली काम करने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको ये यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला जर्रे बराबर नेकी भी जो हम किसी के साथ करेंगे उसका अजर कहीं जाया नहीं होगा। तो इन चीजों का यकीन नहीं होता, इसलिए वो इंसान वयमनाउन अल माउन करता है, मामूली बरतने की चीजों को रोकता है, नहीं देता। इसी के साथ खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला, और मिलते हैं कल दूसरी सूरह के साथ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।